नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहाती सॉल्यूशन की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों थंबनेल देख के आपने समझ ही लिया होगा कि वीडियो किससे संबंधित होने वाली है। जी हां दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं। दोस्तों आज के समय में, डिजिटल समय में जो होता है, जोरों तोरों से चलता है डिजिटल काम और जोरों तोरों से होते हैं डिजिटल फ्रॉड। और उन्हीं डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है देखना बहुत ही जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि जमा निकासी का काम आजकल ज्यादातर है और हम खुद करते हैं जमा निकासी के काम, तो हमें जरूरत पड़ती है कुछ आईडियो की और जिन आईडियो से हम वो काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं भीनो पेमेंट बैंक की इस आईडी के बारे में, जिस आईडी पर जो है फ्रॉड कॉल आ रहे हैं और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। हाँ भाई साहब, सर आपको नहीं करना है कि भाई कंप्लीट? अरे तो हमें पहले समझ में तो आ गए यार भाई मेरे। सर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, पर आप वो जो मैं आपको मैसेज में आपको ओपन कीजिएगा तो आपको नाम पूछेगा पहले से, ठीक है, आपका पीसी मर्चेंट नाम। हाँ अपना नाम डालिएगा, फिर नाम डाल के नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मतलब सर कि ये बोल रहा हूँ मैं आपसे कि इसमें मतलब फिनो पेमेंट बैंक जो मेरी आईडी है उसकी जी, अगर मैं ये प्रोसेस नहीं करूंगा तो वो आईडी बंद हो जाएगी। सर बंद तो हो जाएगी, पर बंद कितना आपको जल्दी नहीं, महीने भर में आप ठीक है, महीने भर आपका जो ट्रांसफर का लिमिट है तो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आईडी आज क्लोज हो जाएगा। सर अच्छा, सर नंबर किसने दिया आपको मेरा? क्या बोले? नंबर कहाँ से मिला मेरा? सर आपका आईडी से मिला सर नंबर, ठीक है। क्या यार सर, यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? सर देखिए अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है, लेकिन सर आप गलत मत बोलिए। नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ यार, मुझे पता है ये फ्रॉड गिरी यार। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत नहीं, क्यों लूटने पर तोले हो यार? आईडी जब क्लोज होगा तब पता चल जाएगा। नहीं क्लोज वाली बात नहीं है यार भाई, कुछ कुछ कर लो यार, धंधा पानी से कमा लो यार, ऐसी फ्रॉड करके कब तक जियोगे? अरे यार। तो दोस्तों अभी आपने सुनी ये रिकॉर्डिंग, जिस रिकॉर्डिंग में मुझे ये बंदा बता रहा है कि आपकी जो आईडी है वो बंद हो जाएगी, नहीं तो इन्होंने मुझे एक लिंक भेजी है, उस लिंक पर मैं क्लिक करूं जिससे जो आईडी का प्रोसेस है वो केवाईसी कंप्लीट हो जाए और ये मेरे खाते के जितने भी पैसे हैं उड़ा के भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, इनका कहने का यही मतलब है, लेकिन ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। जैसे ही मेरे पास ऐसा कॉल आया तो मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि मैं फिनो पेमेंट बैंक की जो आईडी, ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे लिए हुए, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये सही कॉल हो, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है, हमें सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ऐसी कोई केवाईसी नहीं की जाती है। तो सबसे पहले मैंने कॉल किया हमारे एक सर है महेश कुमार साहू जी, जो ललितपुर के मतलब फिनो पेमेंट बैंक के सलाहकार हैं, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी कि भाई आप किसी भी कीमत में ये कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, बिल्कुल भी ये स्वीकार ना करें कि हाँ जो आप कह रहे हैं मैं करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये केवल एक फ्रॉड है, इसलिए इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको ऐसी कॉल को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अगर आप भी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी चलाते हैं तो हो सकता है आपके पास भी ऐसे कॉल आए, और इन कॉल से बचने के लिए आपको इन कॉल को बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक आईडी से ऐसा कोई भी कॉल नहीं आता है कि आपकी जो केवाईसी है वो इनकम्प्लीट है और उसको करने के लिए आपको ये सब प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये प्यारा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देहाती सॉल्यूशन पर आपको छोटी से छोटी बातें पता चलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ देहाती सॉल्यूशन। सतर्क रहें, सावधान रहें।